है पाइथागोरस प्रमेय और ये हमारे त्रिभुज वाली एक्सरसाइज के अंदर ही आता है, त्रिभुज का ये गुण होता है। और ये कौन, इसके अंदर ये जो पाइथागोरस प्रमेय है ये एक हमारे जो पाइथागोरस थे यूनानी दार्शनिक थे और उन्हीं के नाम पर ये जो प्रमेय है हमारी उन्हीं के नाम पे चलती है और उनका नाम था पाइथागोरस, तो इसलिए हम इसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो ये कौन सी होती है, यदि किसी समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज कैसा बचिए समकोण, यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर तो यह नियम पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए। यदि किसी त्रिभुज पर पाइथागोरस गुण प्रयुक्त होता है तभी वह समकोण त्रिभुज होगा। मतलब समकोण त्रिभुज कैसे होगा, हम ऐसे नहीं कह सकते वो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के लिए हमें क्या चाहिए कि उसपे ये जो हमारा नियम है पाइथागोरस प्रमेय है ये उसके ऊपर प्रयुक्त होनी चाहिए, उसपे लगनी चाहिए, तो ही वो हमारा समकोण त्रिभुज है, नहीं तो वो समकोण त्रिभुज नहीं है। तो इसके लिए हम जांच कर सकते हैं, मान लो कि हमारे पास एक त्रिभुज है, मानो ये हमारा समकोण त्रिभुज है एबीसी, समकोण त्रिभुज हमारा है एबीसी। इसके अंदर पहले हमें भुजाएं जाननी है कि ये वाली जो भुजा होती है हमारी सम, यहाँ पे हमारे पास बी जो कोण है ये हमारा समकोण है और समकोण के सामने की जो भुजा होती है वो होती है हमारी कर्ण। उसके अंदर त्रिभुज में हम इसमें समकोण त्रिभुज में उसका एक विशेष नाम होता है तीनों भुजाओं का, तो जो इसकी सामने भुजा होती है उसको बोलते हैं हम कर्ण, ये हमारी कर्ण होती है। और जिसपे समकोण त्रिभुज बना होता है वो होता है इसका आधार, ये हमारी कौन क्या हुआ आधार। और जिस ये जो त्रिभुज की जो लंबाई है ये वाली जो ये जो लंबाई है इसको बोलते हैं हम लंब, जिसपे त्रिभुज बना हुआ है, मतलब जिस साइड से त्रिभुज हमें लंबाई को बता रहा है वो इसका लंब है। तो कोई भी समकोण त्रिभुज होगा वो इस तरह से होगा, उसमें तीनों भुजाएं अलग अलग तरह की होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण और जो जिसपे त्रिभुज बना हुआ वो आधार और त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो लंब कहलाती है। अब इसी के लिए हम इसकी जांच करते हैं, जैसे हमने एक त्रिभुज बनाया है यहाँ पे कि ये जो समकोण त्रिभुज हमने बना लिया है भुजाओं के द्वारा ये समकोण है या नहीं, इसकी जांच हम पाइथागोरस प्रमेय से करते हैं। अगर ये इसमें बिल्कुल सही निकलेगा तो ये समकोण त्रिभुज है, नहीं तो ये नहीं है। मतलब ये जो तीन भुजाएं दी गई हैं ये आपस में मिलके एक त्रिभुज का निर्माण नहीं करेंगी, समकोण त्रिभुज का निर्माण नहीं करेंगी। तो इसके लिए हमें जांच करनी है, हम कौन सा नियम लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। प्रमेय का मतलब नियम ही होता है। और तो हम क्या करेंगे, कर्ण क्या है इसमें हमारे पास पांच है, क्योंकि सबसे बड़ा सबसे जो समकोण के सामने भुजा है वो हमारी 5 सेंटीमीटर है और साथ में ये सबसे बड़ी भुजा भी होती है त्रिभुज की। तो हम क्या करेंगे, कर्ण हमारा नियम क्या है इसके अंदर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये हमारा बराबर आना चाहिए तभी ये समकोण त्रिभुज होगा। तो हमारे पास पांच है, कर्ण की जगह हम क्या लिखेंगे पांच का स्क्वायर बराबर आधार हमारे पास तीन है तो हम तीन का स्क्वायर करेंगे, तीन का स्क्वायर प्लस लंब क्या है हमारे पास चार से मिल लंब मतलब लंबाई तो चार का स्क्वायर। अब हम इनके स्क्वायर निकाल लेंगे, पांच का स्क्वायर क्या होगा, पांच के ऊपर दो घात लगी हुई इसका मतलब पांच को हमें दो बार लिखकर गुणा करा है, गुणा करना है पचम पच्चीस, पच्चीस और ये कितना हो गया हमारे पास तीन तीये नौ और ये कितने हो गए चार चौक सोलह। अब हम इसको जोड़ लेंगे, 25 बराबर 9 और 16 भी हमारे पास कितने हो गए 25, तो ये देखो कर्ण के बराबर आ गए, लंब और आधार के जो स्क्वायर थे वो हमारे पास कर्ण के स्क्वायर के बराबर आ गए। इसका मतलब ये हमें क्या दिखा रहा है यहाँ पे कि ये जो बना हुआ हमारे ये जो तीनों भुजाएं दे रखी हैं ये एक समकोण त्रिभुज की दी गई है और ये हमारा इसके अंदर हमारा नियम है ये भी हमारे पास लागू हो रहा है। तो इस तरह से हमें पाइथागोरस प्रमेय की जांच करनी है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे सवाल दे रखे हैं इस प्रश्नावली के अंदर, वो हम इस नियम के द्वारा उन सवालों को हल करेंगे। धन्यवाद।